तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। इंडियन एयर फोर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं और ये नोटिफिकेशन अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कब से ये ऑनलाइन अप्लाई होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, कब इसकी लास्ट डेट रहेगी, कितनी फ़ीस आपको जमा करनी, क्या आपके फिजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरह से ये वैकेंसीज अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में डिटेल से मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको ये नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है बेसिकली। तो दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु 1/2024 रिक्रूटमेंट होनी स्टार्ट हो रही है और इसके अंदर में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं अग्निवीर वायु इनटेक की। अब इन वैकेंसीज में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए सबसे पहले फ़ीस मैं आपको बताऊंगा, 250 रुपये आपको पे करना है। एससी एसटी कैंडिडेट हैं तब भी आपको 250 रुपये ही इसमें पे करना है। डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 27/7/2023 से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट 17/8/2023 इसमें रहेगी। डेट ऑफ एग्ज़ाम 13/10/2023 मतलब 13 अक्टूबर 2023 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आपकी जो एज होनी चाहिए वो शुड बी बॉर्न बिटवीन 27 जून 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड 10+2 आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए। हाइट क्या चाहिए आपकी, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर। वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू हाइट, वेट आपके जो वेट आपका जो होना चाहिए वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एज एज पर एप्लीकेबल फॉर आईएफ, एज जो होनी चाहिए आईएफ के जो एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। चेस्ट क्या रहेगा, द चेस्ट विल शुड वेल प्रोपोर्शन विद मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑल्सो शुड बी एटलीस्ट 0.5 सेंटीमीटर। आप हेयरिंग क्या कंडीशन होनी चाहिए आपकी, शुड हैव नॉर्मल हेयरिंग, जो नॉर्मल हेयरिंग है वो होनी चाहिए। एबल टू हेयर फोर्स विस्फर फ्रॉम अ डिस्टेंस 0.6 मीटर बाई ईच एयर सेपरेटली। डेंटल क्या होनी चाहिए, शुड हैव हेल्थी गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। फॉर मोर डिटेल्स रेफर टू नोटिफिकेशन पे चलेंगे अभी। विजुअल स्टैंडर्ड में क्या चाहिए तो वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये सारी इसके अंदर रिक्वायरमेंट चाहिए। अग्निवायु की वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज अभी इसके अंदर डिस्क्लोज हुई नहीं है, बट अभी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जो मेन नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आया है इसका। अब मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसकी जो है अभी वैकेंसीज की जो ऑनलाइन लिंक है वो अभी स्टार्ट हुई नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बाकी नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके ये सारी चीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं सवाल। अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो सिंपल सा आपको agnipathvayu.cdse.in पर जाके लॉगिन करना है ऑनलाइन। और क्लास 10 मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट मार्कशीट, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एडिशनल स्किल्स इफ एनी, 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े आप कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।